अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के हवाले से और मास्टर के दाखिलों के हवाले से कि ये वो तालिबे इल्म जिन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया, BA BCOM कम्प्लीट कर लिया, तो वो आगे ओपन यूनिवर्सिटी से क्या MA कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपको टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक को ही ले लेते हैं, वो तालिबे इल्म जिनकी BA BCOM या एसोसिएट डिग्री या BA के मसावी यानी कि 14 ईयर एजुकेशन जितने भी तालिबे इल्म हैं उनकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आगे उन्होंने MA के अंदर एडमिशन लेना था, तो वो अभी क्या करेंगे। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो तालिबे इल्म जिन्होंने किसी स्पेशल सब्जेक्ट के साथ BA किया हो, यानी कि BA इन पाक स्टडी, BA इस्लामियात, BA एजुकेशन, BA अरबी, अगर किसी ने वो वाला BA किया हुआ है तो वो आगे BS 2 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेगा, उसके 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर वो करने के बाद उनको BS की डिग्री मिलेगी जो कि मास्टर के इक्वल होती है। उसके बाद वो तालिबे इल्म जिन्होंने BA जनरल, BA एसोसिएट डिग्री, BCOM या इसके मसावी और कोई डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो आगे BS 28 साल प्रोग्राम के अंदर 2.5 ईयर के अंदर एडमिशन लेंगे, उसके 5 सेमेस्टर होंगे और उसके कंप्लीट करने के बाद आपको BS 28 साल प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी जो कि मास्टर की इक्वल होती है। तो इसमें यह नहीं है कि आपने जिस तरीके से BA के अंदर एडमिशन लिया और अपनी मर्जी सब्जेक्ट चूज किया, इसमें यह नहीं होगा, इसमें आपको स्पेशल सब्जेक्ट के साथ आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस तरीके से MA उर्दू होता है इस जगह फिर BS उर्दू होगा, जिस तरीके से MA इस्लामियात होता है फिर यहाँ पर BS इस्लामियात होगा। तो इस तरीके से आपने अपनी 16 ईयर एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करनी है, एडमिशन 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के हवाले से है। अक्सर तालिबे इल्म जो हैं उनको किताबें नहीं मिली तो उनको साथ में क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला। कुछ ऐसे तालिबे इल्म हैं जिनको किताबें मिलती नहीं हैं जो कि बड़ी क्लासेस और उन्होंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने होते हैं, तो आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेमेस्टर आटम 23 के आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं, उनके असाइनमेंट के क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल होंगे, आंसर जो है वह आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं या बुक्स खरीद लें, वहाँ से आप देखकर अपने असाइनमेंट्स वगैरह है वो रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अपडेट आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं कि वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।